सब्सक्राइब करें सिटी न्यूज पलामू व बेल आइकॉन दबाकर पाएं परमंडल की ताजा खबरें सबसे पहले सबसे आगे। श्री बंसीधर नगर कांग्रेस पार्टी प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष बनने पर मानस सिन्हा व संजय लाल पासवान अपने काफिले के साथ श्री बंसीधर मंदिर में पूजा अर्चन कर व अनजान शहीद बाबा मजार पर चादर चढ़ाकर आशीर्वाद लिया। कार्यकारी अध्यक्ष सह विधायक प्रत्याशी मानस सिन्हा ने कहा कि कार्यकारी अध्यक्ष बनने के बाद वे तमाम कार्यकर्ताओं के साथ आशीर्वाद लेने आए हैं। उन्होंने कहा कि झारखंड प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनाने के लिए कार्यकर्ता दिन रात लगे हुए हैं। श्री सिन्हा ने कहा कि संगठन को पंचायत स्तर पर व बूथ स्तर तक मजबूत करना उनकी पहली प्राथमिकता है। उन्होंने लोगों से मिलजुल कर पार्टी के लिए कार्य करने की अपील की। उन्होंने कहा कि झारखंड प्रदेश में बीजेपी को इस बार तड़ी पार करना है। कार्यकारी अध्यक्ष पलामू परमंडल प्रभारी संजय लाल पासवान ने कहा कि पलामू परमंडल में कांग्रेस पार्टी बहुत मजबूत स्थिति में है और वे सभी लोग झारखंड प्रदेश में मजबूती के साथ चुनाव लड़ेंगे। श्री पासवान ने कहा कि कांग्रेस पार्टी महागठबंधन के साथ चुनाव लड़ेगी। अंत में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के प्रतिमा व प्रखर समाजवादी नेता पूर्व मंत्री गिरिवर पांडे के प्रतिमा पर माल्यार्पण किए। मौके पर जिलाध्यक्ष समेत कांग्रेस के कई दिग्गज नेता मौजूद थे। आज 5 किलोमीटर तो अब तुलना नहीं, अब लोग तुलना करने लगे। संजय जी, अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं अपरोक्ष रूप से अगर देखी जाए तो कहीं ना कहीं कई गुट दिख रहे हैं आपके पार्टी के अंदर। नहीं, इसको गुट नहीं बोलते हैं, इसमें जो गुट इसको नहीं बोला जाता, इसको बोला जाता है जैसे हम लोग विचार करते हैं, मंथन करते हैं ना। हो सकता है आपका विचार नहीं मिले, उससे कोई दिक्कत नहीं है, वो सारे हम लोग एक हैं। अगर किन्हीं को लग रहा है वो सब गलत है, बाहर से लोग बोलने वाले बोल रहे हैं, वो सब भाजपा का षड्यंत्र है और क्या। हम लोग सब एक साथ हैं और एक साथ चुनाव लड़ेंगे और बहुत बढ़िया तरीके से इसका जो झारखंड की सरकार की जो नीति है वो नीति का जवाब देंगे। गलत नीतियों का कैसे जवाब दिया था आने वाले ये पार्टी तय करेगी और हम लोग कोशिश कर रहे हैं महागठबंधन के साथ हम लोग चुनाव लड़ेंगे। देखिए, हम और संजय लाल पासवान दोनों कार्यकारी अध्यक्ष हैं और पहली बार कार्यकारी अध्यक्ष बनने के बाद हम लोग का प्रोग्राम बना पलामू और गढ़वा दोनों जिला का बैठक करना। कल पलामू में बैठक हुई, अभी गढ़वा जिला के जिलाध्यक्ष के साथ, प्रखंड अध्यक्ष के साथ, कमेटी के साथ बैठक होगी और आगे की रणनीति तैयार होगी। एक ही लक्ष्य है कांग्रेस पार्टी का, यहाँ पे सरकार बनाना। उसी के तहत पहली बार गढ़वा जिला आया कार्यकारी अध्यक्ष, तो बाबा के दरबार में आया हूँ आशीर्वाद लेने कि बाबा हम सब पर झारखंड वासियों पे कृपा बना के। सरकार बनाने का रणनीति क्या होगा सर? देखिए, सरकार बनाने की रणनीति तो मीडिया में नहीं बुला सकता, वो तो हमारा इंटरनल है। हमारा काम है संगठन को पंचायत और बूथ स्तर तक मजबूत जो है उसको और से और मजबूत करें, सब लोगों को मिला जुला के काम करें।